नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक सेट आया हुआ है जो कि सोनी का सेट है। इसके अंदर फॉल्ट यह है कि ये नो इंडिकेटर में है। तो नो इंडिकेटर के लिए ऐसे तो बहुत सारा रीज़न होता है, लेकिन इस बोर्ड के अंदर देखेंगे किस वजह से हमारा नो इंडिकेटर हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि दो बोर्ड लगाया हुआ है। एक LT बोर्ड है, LT का बोर्ड के अंदर आपको इन्वर्टर बोर्ड का सेक्शन और आपको बोल सकते हो साउंड सेक्शन देखने को मिलेगा, और एक सप्लाई बनाया हुआ है जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई है। ओके, तो कनेक्टर हम लोग लगा देंगे। दोनों साइड के कनेक्टर पे एक स्ट्रिप लगा हुआ है, मतलब दोनों को बोर्ड को जोड़ने के लिए एक स्ट्रिप लगा हुआ है। तो उस स्ट्रिप से हम दोनों बोर्ड को जोड़ देते हैं। उसके बाद हम अडाप्टर लगा के चेक करेंगे कि क्या हमारा स्टैंड बाई की लाइट आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो किस वजह से नहीं आ रहा है वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, तो मैंने अडाप्टर को लगा दिया है और उसके बाद में हम चेक करते हैं कि यहाँ पर लाइट देखने को नहीं मिला है। ओके, तो 19 वोल्ट हम इस मॉस्फेट पे चेक करेंगे जो कि पी चैनल का मॉस्फेट है, जो कि 19 वोल्ट इन लेके और 19 वोल्ट आउट करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 वोल्ट आउट हो रहा है। ओके, अगर ये 19 वोल्ट आपका आउट नहीं होगा तो ये मार्क किया हुआ सेक्शन और आपका पिन नंबर 1 जो कनेक्टर से लगा है उसको आपको चेक करने की ज़रूरत है। पिन नंबर 1 ग्राउंड करेगा तो जाके 19 वोल्ट बाहर आता है। ओके, तो चलिए हम लोग और चेक कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो 19 वोल्ट जो है इस मॉस्फेट से आउट कर रहा है। अब हम लोग 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं, 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। ओके, जैसे ही आप स्ट्रिप लगा देते हो कि ये 12 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन वो 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग इसका सप्लाई चेक कर लेते हैं, IC का बराबर है कि नहीं। 19 वोल्ट यहाँ पर पास हो रहा है, मतलब सप्लाई इस IC का जो IC 12 वोल्ट बनाता है उसका सप्लाई जो है ओके है 19 वोल्ट। ओके, अब हम लोग इस ड्राइवर को एक बार चेंज करके देखते हैं कि क्या इस ड्राइवर के जो फॉल्ट है जो 12 वोल्ट है वो पहले बनता है या बाद में बनता है। ये कंफर्म करने के लिए हमने एक दूसरा LT बोर्ड लगा रहे हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि भाई जो 12 वोल्ट सप्लाई है वो पहले बनेगा या बाद में बनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको छेड़छाड़ करने से पहले कन्फर्म करना जरूरी होता है कि जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो पहले बनता है या बाद में बनता है, वो हमको देखना जरूरी होता है। ओके, अब हमने यहाँ पर लगा दिया है आपका LT बोर्ड, 19 वोल्ट इसमें पास किया और 12 वोल्ट देख सकते हो आप पहले ही बन गया, मतलब कि वहाँ पर उस बोर्ड के अंदर नहीं बन रहा है, मतलब उस बोर्ड के अंदर 12 वोल्ट की दिक्कत है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लाइट भी आ चुका है, देखिए मतलब कि हमारा जो फॉल्ट है वो शिफ्ट होकर LT बोर्ड है। बोर्ड के अंदर, मदर बोर्ड के अंदर कोई भी छेड़छाड़ हमको नहीं करना है। अब पैनल का वोल्टेज चेक कर लेते हैं, पैनल का वोल्टेज पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पैनल का वोल्टेज 12 वोल्ट पास हो रहा है इस बोर्ड के अंदर। आपको ना ही आपको बैकलाइट की जरूरत पड़ती है और ना ही आपको मतलब टिकॉन की जरूरत पड़ती है, और ये ब्लिंक में नहीं जाता है, मतलब थोड़ा टाइम के लिए आपको समय दे देता है कि आप आराम से चेक कर लीजिए। उसके बाद हो सकता है ब्लिंक में जाए, लेकिन फिलहाल टाइम पे ये ब्लिंक में नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने बैकलाइट ड्राइवर भी बैकलाइट भी नहीं लगाया है और पैनल की स्ट्रिप भी नहीं लगाया, मतलब पैनल आईडी भी नहीं दिया है। ओके, अब हम लोग पुराना वाला LT बोर्ड ही लगा के चेक कर लेते हैं कि भाई क्या दिक्कत है इसके अंदर, वो हम लोग चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमको 12 वोल्ट के सेक्शन को ही देखना है जो कि 12 वोल्ट बनाता है, उसी सेक्शन पर हमें काम करना है, बाकी और हमको LT बोर्ड में और कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग अडाप्टर लगा लेते हैं। अडाप्टर लगाने के बाद में हम उस IC को चेंज करने से पहले या कुछ करने से पहले हम उसका पूरा डिटेल ले लेंगे कि जो उसका 19 वोल्ट वो सही तरीके से इन हो रहा है, उसके बाद में उसका इनपुट वोल्टेज और उसका इनेबल चेक करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने LT बोर्ड लगा दिया है, 19 वोल्ट हमारा पास हो गया है। ओके, अब हम लोग स्विच से कमांड देके देखेंगे क्या हमारा स्विचिंग देने के बाद में 12 वोल्ट बंद होता है या नहीं बनता है। तो चलिए हम लोग पावर बटन दबाते हैं। पावर बटन को यहाँ पर मैंने प्रेस किया, लेकिन यहाँ पर 12 वोल्ट की कोई भी स्विचिंग देखने को नहीं मिल रहा है, ना 12 वोल्ट आके नहीं जा रहा है। अब हम इसका इनेबल चेक करेंगे। इनेबल चेक करेंगे जो आपको देखो यहाँ पर रजिस्टर दिया हुआ, इस पे इनेबल आता है वो 3.3 आके जाएगा। देखिए 3.3 आया और चला गया, ठीक है। फिर कमांड देंगे तो फिर 3.3 आ रहा है और चला जा रहा है, ये इसका इनेबल है। तो लेकिन आपका 3.3 आके जा रहा है लेकिन 12 वोल्ट आपका नहीं बन रहा है, मतलब आपकी IC हो सकती फेलियर है। ओके, तो ये IC तो देखो कैसा था, हर एक IC हम लोग ढूंढने नहीं जा सकते हैं, हमको काम जो है तेज करना है तो हर एक IC ढूंढने नहीं जाएंगे, उसके लिए हमको कुछ अल्टरनेटर यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पर एक मॉड्यूल लेंगे जो कि 19 वोल्ट से हम लोग 12 वोल्ट बनाएंगे और वो 12 वोल्ट बना के उस कॉइल पे दे देंगे। तो 19 वोल्ट से 12 वोल्ट बनाने के लिए जो पुराने वाली IC जो लगी हुई है उसको जो 19 वोल्ट पास होता है पहले उस फ्यूज को आपको रिमूव करना है, ताकि इन फ्यूचर कभी वो अगर सपोज करो कोई दिक्कत होगा तो वो फ्यूज जो है उड़ने का चांस रहेगा, या फिर उसकी वजह से और भी कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इसीलिए हम पहले उसको निकाल देंगे बाहर, ताकि ये सेक्शन पूरा ही स्किप हो जाए या कट हो जाए, क्योंकि अब हम 19 वोल्ट से अब 12 वोल्ट बना रहे हैं तो अपना अलग से एक सर्किट लगाना है, वो सर्किट ही 12 वोल्ट बना के उसको देगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग उसका शॉर्टिंग चेक करते हैं कि शॉर्टिंग तो नहीं है कोई, तो इसके बाद ही ये
मॉड्यूल लगाएंगे। ओके, तो अब हमने चेक कर लिया है, अब हम क्या करते हैं इसके अंदर ये मॉड्यूल को बिल्ड करेंगे। और मॉड्यूल को बिल्ड करने के लिए इसको 19 वोल्ट की इनपुट सप्लाई चाहिए। तो 19 वोल्ट की इनपुट सप्लाई के लिए हम सबसे पहले मॉस्फेट जो है, जो आउट हो रहा है मॉस्फेट से 19 वोल्ट, उसके आउटपुट पे हम लोग क्या करेंगे, लाल वायर मतलब प्लस वाला वायर लगा देंगे। और उसके बाद में माइनस वाला वायर आपको पीएफ के ऊपर दे देना, कहीं भी सर्किट का ग्राउंड आपको दे देना है। उसके बाद में 12 वोल्ट जो है, मैंने पहले से ही चेक करके रख दिया हूँ कि भाई ये 12 वोल्ट आउट करेगा ताकि टाइम बचे। तो अब हम पहले इसको, ये हमारा जो है फिट हो गया है मॉड्यूल, लगा दिया हमने। अब हम स्ट्रिप को निकालते हैं। स्ट्रिप को निकालने के बाद हम लोग 19 वोल्ट इसको देते हैं और देखते हैं लाइट जलता है या नहीं जलता हमारे ड्राइवर का इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट नहीं जला है, किसका, जो हमने मॉड्यूल लगाया है उसका लाइट, उसमें लाइट आया था, लाइट नहीं जला, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि जब वो स्ट्रिप लगेगा तभी ही मॉस्फेट से 19 वोल्ट आउट करेगा, अदरवाइज वो मॉस्फेट से 19 वोल्ट आउट नहीं करेगा। और हमने स्ट्रिप निकाल दिया है तो 19 वोल्ट आउट नहीं करेगा। अभी देखिए 19 वोल्ट जो है हमारा आ गया है, क्योंकि हम मॉस्फेट के सोर्स पर लगाए हैं। ओके, तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा 12 वोल्ट आया है या नहीं आया है, ये कन्फर्म करना हमारा जरूरी है। ओके, उसके बाद ही हम वो स्ट्रिप लगाएंगे, अदरवाइज स्ट्रिप लगा देंगे ज़्यादा वोल्टेज चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगा मदरबोर्ड में आपको। ओके, तो यहाँ हम पर हमारा 12 वोल्ट बन चुका है, किससे, 19 वोल्ट से। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा रेड वायर मॉस्फेट के सोर्स पर लगाया है, अब हम लगा देंगे उसके ड्रेन पे और स्ट्रिप लगा के चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर स्ट्रिप लगा रहेगा तो ही मॉस्फेट के ड्रेन पे वोल्टेज आएगा, अदरवाइज वो सोर्स पे आके स्टेबल रहेगा, मतलब रुका रहेगा। ओके, अब हमने इसके ड्रेन पे ही प्लस वायर लगा दिया है और स्ट्रिप लगा के अब चेक करेंगे कि हमारा क्या सही सलामत लाइट आ गया है या नहीं आया है या कुछ और दिक्कत है, वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग ने फिर से स्ट्रिप को लगा के अब हम क्या करते हैं, एडाप्टर को इन करा के और बटन को ऑन करते हैं और सप्लाई चेक कर लेते हैं कि सप्लाई हमारा सही सलामत लोडिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है। ओके, तो चलिए अब हम लोगों ने एडाप्टर को इन कर दिया है और एडाप्टर को इन करने के बाद बटन को मैंने ऑन करता हूँ और बटन ऑन हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पर लाइट आता है या नहीं आता है। लाइट थोड़ी देरी से आती है इसकी, आप देख सकते हो अभी। तो यहाँ पर देखिए लाइट आ चुका है, आप देख सकते हो लाइट आ चुका है। तो यहाँ पर जो 12 वोल्ट था वो इसका मिसिंग था, इसलिए वो नहीं आ रहा था। अभी वो 12 वोल्ट हमने बना के बाहर से दे दिया है, तो आप देख सकते हो अभी ये 12 वोल्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो लोडिंग भी सही है, पैनल का वोल्टेज चेक कर लेते हैं, पैनल का वोल्टेज भी 12 वोल्ट बराबर आ रहा है, मतलब हमारा जो सेट था वो रेडी हो चुका है। अब हमको जो मॉड्यूल लगाए हैं उसको सही सलामत आपको फिक्स करने की ज़रूरत है, ताकि देखने में अच्छा लगे और ख़राब ना लगे। ओके, तो उसके लिए आपको एक डबल टेप लेना पड़ेगा फोम वाला, उसके आपको पीसीबी पे कहीं भी इसको चिपका देना है, एक साइड में, दोनों साइड में इसके गम रहते हैं तो एक साइड में आपको चिपका देना है, उसके ऊपर आपको इस मॉड्यूल को लगा देना है और जो एक्स्ट्रा वायर बचता है उसको आपको मोड़ के साइड में रख देना है। ठीक है, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे और कोई भी काम करने बैठे तो उसको ऐसा ना लगे कि किसी ने क्या कर दिया है। ओके, अक्सर ज़्यादातर मॉड्यूल मारा जाता है तो आधा सा मन तो वही आदमी का हट जाता है कि क्या काम करे इसके अंदर, लेकिन अच्छे से आप फिनिशिंग दोगे तो आदमी का फिर मन करेगा कि कोई दूसरा टेक्नीशियन देखेगा तो उसका भी काम करने की इच्छा होती है। ठीक है, अदरवाइज वो सीधा ही वो चेंज कर देगा आपका एलटी बोर्ड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक्स।